कंप्लीट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी 6 AH के अंदर। सर 6 AH का मतलब क्या था? 6 AH का मतलब है आफ्टर हिजरा, मतलब यह है कि माइग्रेशन टू मदीना के बाद जो आपके पास ये छठा साल था वो हमारे पास ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहलाता था। 10 मार्क का सवाल आएगा राइट अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो आप उसके अंदर यह बताओगे क्यों ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई, इवेंट्स बताओगे और एक अबू जंदल वाला वाकया था वो बताओगे। सर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्यों? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इसलिए भी क्योंकि 4 AH के अंदर जब हमारे पास, आपको ये बात पता है कि बैटल ऑफ ट्रेंच भी थी 4 AH के अंदर, बनू नदीर वालों को निकाल दिया गया था, उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंच भी। जब बैटल ऑफ ट्रेंच भी तो उसके बाद प्रॉफिट को एक ख्वाब आता है। क्या आता है? ख्वाब। जिस जिस बच्चे ने मुझसे वेज ऑफ रेवलेशन पढ़ा हुआ है उसको ये बात याद होगी कि वेज ऑफ रेवलेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक रेवलेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। क्या आती है? इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। और मैं उसमें आपको एग्जाम्पल देता था ट्रीटी ऑफ उदयबिया की, ट्रीटी ऑफ उदयबिया में रात को प्रॉफिट को ख्वाब आया कि वो उमरा करने जा रहे हैं और नेक्स्ट डे क्या आ गई? रेवलेशन। तो ट्रीटी ऑफ उदयबिया ये वो वाला टॉपिक है। आप बताओगे बैटल ऑफ ट्रेंच के वाक्य के बाद, बैटल ऑफ ट्रेंच हो गई, प्रॉफिट को एक ड्रीम आता है कि प्रॉफिट कहाँ पे एंटर हो रहे हैं? काबा के अंदर एंटर हो रहे हैं और काबा के अंदर उमरा परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उमरा परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये ख्वाब देखा। जैसे ही ये ख्वाब देखा तो नेक्स्ट डे वर्स आ जाती है कि ट्रूली अल्लाह फुलफिल द विजन ऑफ मैसेंजर, मतलब जो अल्लाह देखा है वो अल्लाह ताला पूरा करेंगे। यू विल एंटर द सेक्रेट मॉस्क विद फुल सिक्योरिटी इफ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरी सिक्योरिटी के साथ आप काबा क्या करोगे? एंटर करोगे। सेक्रेट मॉस्क क्या है? काबा। अब प्रॉफिट ये बात क्या करते हैं? प्रॉफिट को रेवलेशन आ गई, ड्रीम आ गया, तो प्रॉफिट ये ड्रीम शेयर करते हैं और लोगों को ऑर्डर करते हैं कि जाओ उमरे के लेके आ जाओ रेडी। अब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सर क्यों होते हैं खुश? बेटा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो लोग जो है वो आफ्टर 6 ईयर्स क्या कर रहे थे? अपनी होम टाउन, अपनी होम सिटी क्या कर रहे थे? विजिट कर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रहते हो पाकिस्तान से बाहर, सही है? आप लोग जब पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो उसमें यह हुआ कि आप लोग 6 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हो तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होगी कि हम पुराने रिश्तेदारों से मिलेंगे, हमारे पास ये सारी चीजें, हम अपने घरों को विजिट करेंगे। तो इसी तरीके से जो मुसलमान थे वो पहले मक्का के अंदर रहते थे, अब जब वो मक्का में रहते थे तो वो मदीना आ गए थे और मदीना में 6 साल रहने के बाद अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो वापसी कहाँ पे जा रहे हैं? मक्का जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा खुश थे। मुसलमानों ने एहराम पहना और प्रॉफिट ने कहा कि कोई भी अपने साथ तलवारें नहीं लेगा। सर क्यों तलवारें नहीं लेगा? क्योंकि प्रॉफिट ने कहा कि वहां पर हम उमरा करने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे, तो जिसकी वजह से हम कोई स्वॉर्ड्स और नहीं लेंगे ताकि उनको ये बात ना लगे कि हम उनसे लड़ने जा रहे हैं, उनको ये बात फील हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं? उमरा करने ही जा रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट ने कहा कि सब अपने पास अपनी सिक्योरिटी के लिए एक छोटा डैगर रखेगा। डैगर का मतलब होता है छोटा छुरा रखेंगे। सर छोटा छुरा क्यों रखेंगे? तो बेटा रस्ते में क्या होती थी, कोई लूटने आ जाए या फिर कोई भी, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। तो वो आपके पास क्या हुआ कि स्मॉल डैगर्स क्या हुए प्रॉफिट ने। अब टोटल 1500 लोग और 70 कैमल्स अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, जिसमें वो 70 कैमल्स सदके के लिए लेकर जा रहे होते हैं। अब आप, क्योंकि बच्चा बोलता है सर उम्रे में कौन सी सेक्रीफाइस होती है, यहाँ पे आपने स्लॉटरिंग लिखा हुआ है, तो बेटा स्लॉटरिंग क्या है? सदके के लिए, वहां पर जो खाना पकाने के लिए, जैसे जब वहां पे रहेंगे तो खाना पकाने के लिए एंड फॉर ट्रेवलिंग, वो 70 कैमल्स और 1500 फॉलोअर्स कहाँ पे निकल जाते हैं मक्का की तरफ। प्रॉफिट अपने कैमल पर बैठते हैं जिसका नाम होता है कसवा, और कसवा एक शी कैमल थी, फीमेल कैमल, सही है? तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्रॉफिट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और वो कहाँ पर निकल गए? मक्का के साथ, मक्का की तरफ निकल गए। और मक्का की तरफ जब निकले तो वो अपनी वाइफ उम्मे सलमा के साथ थे। तो अब आपके पास सवाल ये है कि सर ये लोग क्यों गए? तो बेटा इसलिए गए क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ ट्रेंच प्रॉफिट को क्या आता था? प्रॉफिट को एक ख्वाब आया। प्रॉफिट को ख्वाब ही आया कि प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? काबा जा रहे हैं, उमरा परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर एंटर होते हैं तो उनको एक वर्स आती है, ट्रूली मतलब नेक्स्ट डे रेवलेशन आती है, ट्रूली अल्लाह फुलफिल द विजन ऑफ मैसेंजर, यू विल एंटर द सेक्रेट मॉस्क विद फुल सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह विल। सेक्रेट मॉस्क क्या है? काबा। आप काबा एंटर करोगे तो रेवलेशन भी आ गई, ड्रीम आ गया, तो प्रॉफिट ने लोगों को ऑर्डर करा कि रेडी हो जाओ, हम लोग उमरा करने जा रहे हैं। और जब उमरा करने जाने का बोला तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो 6 साल के बाद वापसी कहाँ पे जा रहे थे? मक्का जा रहे थे। जिसकी वजह से ये हुआ कि मुसलमानों ने एहराम पहना, स्वॉर्ड्स नहीं ली क्योंकि हम लड़ने नहीं जा रहे थे, अपने साथ छोटे छोटे छुरे ले लिए फॉर ओन सिक्योरिटी, वो लोग वहां पे जुए। 1500 फॉलोअर्स थे जिसके अंदर आपके पास 1500 मुसलमान थे और 70 कैमल।
70 कैमल्स कहते हैं, स्लॉटरिंग और बाकी ट्रेवलिंग पर्पज के लिए हम वहां पर लेकर जा रहे थे। प्रॉफिट जो है वो अपनी शी कैमल कसवा पर बैठते हैं और वो अपनी वाइफ उम्मे सलमा के साथ आ रहे होते हैं और टूवर्ड्स मक्का वो लोग निकल जाते हैं। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है कि ट्रीटी ऑफ उदैबिया क्यों हुई। तो मुझे यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया तो बेटा वो लोग चिल करें, और क्या करें कि अगर किसी को समझ नहीं आया तो एन लिख कर भेजें, 9:39 तक का टाइम है। सही है, बेटा ट्रीटी ऑफ उदैबिया टॉपिक का नाम है। माशाल्लाह आपको यही नहीं पता, टॉपिक का नाम है ट्रीटी ऑफ उदैबिया। सही है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट जो है वो अपने रास्ते से क्या होते हैं, मक्का जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मक्का से मदीना से कहाँ जा रहे हैं? मक्का जा रहे हैं फॉर उमरा। अब जब प्रॉफिट जा रहे होते हैं तो वो कहाँ पर जा रहे होते हैं? जब जा रहे होते हैं तो वो ज़ुलहलैफा पहुंचते हैं। एक जगह होती है जिसका नाम है ज़ुलहलैफा, मतलब जब वो मदीना से जा रहे हैं मक्का तो बीच में क्या एक जगह है जिसका नाम है ज़ुलहलैफा, वहां पर प्रॉफिट पहुंचते हैं। अब प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट लोगों को कहते हैं जो कुरैश थे, कुरैश को पता था कि मुसलमान यहाँ पे सिर्फ उमरा करने आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ कोई अपना स्वॉर्ड्स और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी कुरैश ने अलाउ नहीं करा मक्का में एंटर होना। सर क्यों अलाउ नहीं करा? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी थी इसलिए उन्होंने क्या करा, एंटर नहीं करा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोगों को वो क्या करे, तंग करे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एंटर होने नहीं देंगे। अब जब एंटर नहीं होने दिया तो प्रॉफिट की कैमल चलती रही, कैमल चलती रही, और एक जगह थी जिसका नाम था हुदैबिया, वहां पर ये हमारी जो कैमल होती है कसवा ये रुक जाती है। तो हम लोग हुदैबिया पर एक तरीके का कैंप लगा लेते। अब जब हमने हुदैबिया पे कैंप लगा दिया तो नेगोशिएशन स्टार्ट की। सर नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बातचीत स्टार्ट की। आपने जैसे अगर कोई चीज खरीद रहे होते हो तो आप बोलते हो ना प्राइस, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मतलब बातचीत हो सकती है नहीं हो सकती। तो नेगोशिएशन स्टार्ट होती है लेकिन कुरैश को इंटरेस्ट शो नहीं करता। कुरैश बोलता है हमारा एक ही फैसला है और वो आखिरी फैसला है कि हम आपको उमरा करने नहीं देंगे। तो प्रॉफिट किसको भेजते हैं? हजरत उस्मान को भेजते हैं एज एन एम्बेसडर के, जाओ वहां पर जाकर बात करो, ये लोग नहीं आ रहे तो हम चले जाते हैं, हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे, हम जाकर प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। तो हजरत उस्मान को भेजा जाता है कि जाओ वहां पर जाके नेगोशिएट करो और उनको बोलो कि हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ उमरा है, हम कोई लड़ने नहीं आ रहे, आप लोग हमारी चेकिंग कर सकते। अब जब हजरत उस्मान वहां पर जाते हैं तो कुरैश उनको ऑफर देता है कि हजरत उस्मान, क्योंकि हजरत उस्मान बनू उमैया के क्लैन से थे, और आपको ये बात बतानी चाहिए कि बनू हाशिम और बनू उमैया की हमेशा आपस में लड़ाई चलती रहती थी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कुरैश उनको ऑफर देता है हजरत उस्मान को कि आप क्या कर लो, आप उमरा परफॉर्म कर लो, क्या कर लो, आप उमरा परफॉर्म कर लो। उस पे क्या होता है, हजरत उस्मान सामने से रिप्लाई देते हैं कि मैं बगैर प्रॉफिट से पूछे उमरा परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं जब तक उमरा परफॉर्म नहीं करूंगा जब तक मेरे प्रॉफिट मुझे इजाजत नहीं देंगे, और वो ऑफर डिक्लाइन कर देते। सही है, कुरैश क्या ऑफर देता है, आप उमरा परफॉर्म कर लो लेकिन हम बाकी किसी को परफॉर्म नहीं करने देंगे। तो उस पर हजरत उस्मान का ये रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, हजरत उस्मान को वहां पे हो जाता है डिले। जब हजरत उस्मान को वहां पर डिले हो जाता है तो एक र्यूमर फैलता है कि हजरत उस्मान को मार दिया। हजरत उस्मान को मक्का के अंदर टाइम ज्यादा लगता है तो हजरत उस्मान का एक र्यूमर फैलता है कि हजरत उस्मान को किसने मार दिया, कुरैश ने। इस बात पे मुसलमानों को गुस्सा आता है, देखो एक झूठी न्यूज है लेकिन गुस्सा तो आएगा ना। तो उस पे प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लेज करते हैं कि हम लोग अपनी जान भी दे देंगे लेकिन हम हजरत उस्मान का बदला लेंगे। सर क्यों ऐसा बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको ये बात पता है कि हम लोग अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे, हम सिर्फ अपने साथ एक स्मॉल डैगर्स लाए थे, मतलब हमें लड़ने में मुश्किलात आएंगी और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, फिर भी हम लड़ेंगे, हम चाहे स्मॉल डैगर्स हो कुछ भी हो हमारे पास, हम अपनी जान के लिए भी क्या करेंगे, जान दे देंगे। किसके लिए? हजरत उस्मान से दे देंगे। सब ये प्लेज करते हैं और ये ट्री के अंडर प्लेज करते हैं जिसका नाम था बैत रिजवान। क्या नाम था? बैत रिजवान। बैत का मतलब होता है वादा और रिजवान इसलिए कहते हैं कि वो दरख्त के नीचे हुआ था। तो हमारे पास क्या, अल्लाह प्लेजर वॉज ऑन द बिलीवर्स वेन दे सोर, सोर का मतलब होता है कि वादा करा, अंडर द ट्री, ट्री के अंडर क्या करा उन्होंने, वादा करा कि हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन हजरत उस्मान का बदला लेंगे। अब हजरत उस्मान रिटर्न, अब वापसी आ जाते हैं, तो हजरत उस्मान जब रिटर्न करते हैं तो भी हजरत उस्मान भी क्या कर लेते हैं, प्लेज। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर ये तो प्लेज तो हजरत उस्मान के लिए लिया था, अब तो हजरत उस्मान वापसी आ गए तो फिर क्यों प्लेज वापसी कंटिन्यू हुआ? तो बेटा इसलिए कंटिन्यू हुआ क्योंकि हमारे पास, देखो हमें गुस्सा आ रहा था लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिल रहा था, अब हमें मौका मिल गया तो हमारा गुस्सा कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, हजरत उस्मान भी आ गए तो भी हमें गुस्सा आ रहा था कि यार हम इतना वेट कर रहे हैं, ये हमें अलाउ कर सकते थे, ये हमें अलाउ नहीं कर रहे, हमें गुस्सा।
तो अब हमने ये बात, जब हजरत उस्मान ने भी ये प्लेज ले लिया तो कुरैश डर गए, सही है। तो क्या हो गए, कुरैश बेचारे डर गए। वो बोला, उन्होंने बोला कि भाई अगर ये लोग आ गए ना हमारे ऊपर अटैक करने, तो मुसलमान तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, तो मुसलमान क्या कर देंगे, हमारा खात्मा कर देंगे। तो ये लोग डर गए, तो जैसे ही डरते हैं तो ये लोग किसको भेजते हैं, सुहेल बिन अमर को भेजते हैं। ये नाम पहला याद रखना है, सही है, सुहेल बिन अमर को भेजते हैं कि जाओ वहां पर जाके बातचीत करो, मुसलमानों को ठंडा करो, वरना तो ये मुसलमान क्या कर देंगे, हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। अब होता ये है कि भाई सुहेल बिन अमर आ गए, नेगोशिएशन स्टार्ट होती है, और इसके अंदर बोला जाता है कि इस साल आप लोग उमरा परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उमरा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप लोग नेक्स्ट ईयर आओगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ 3 दिन का उमरे की इजाजत होगी, वो भी बाकी इजाजत नहीं होगी। और जब नेक्स्ट ईयर आओगे तो अनआर्म्ड आओगे, मतलब ये कि आप अपने साथ कोई वेपनरी नहीं ला सकते, जैसे अभी नहीं लाए हो ना वैसे बाद में भी नहीं ला सकते। फिर ये बोला कि पीस होगा 10 सालों के लिए, हम आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, 10 साल के लिए हम क्या रहेंगे, सुकून में। मक्कन्स क्या होंगे, अब इसके अंदर एक बात बड़ी खिलाफ, मक्कन्स जो है, अगर मक्का देखो, मक्का के अंदर कुरैश रह रहे हैं, मदीना के अंदर मुसलमान रह रहे हैं। मक्का से अगर कोई बंदा मदीना आएगा तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आप उसको वापसी कर दो, लेकिन अगर मदीना से कोई बंदा मक्का आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। ये बात किसके खिलाफ थी, मुसलमानों के खिलाफ, फिर भी प्रॉफिट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब ये ट्रीटी की बातें हो रही थी तो उसमें हजरत उमर तो गुस्से वाले थे, हजरत उमर को गुस्सा आ गया और हजरत उमर ने कहा कि ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ, हजरत उमर इसमें बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन उसमें क्या हुआ, हजरत अबू बकर ने उनको ठंडा करा, हजरत उमर ने उनको काटा, हजरत अबू बकर ने उनको काटा करा, और प्रॉफिट ने क्या करा, ट्रीटी से एग्री कर। अब जब ट्रीटी से एग्री कर लिया तो अब लिखने का वक्त आया, जब लिखने का वक्त आया तो उसमें हजरत अली लिख रहे थे, और हजरत अली जब लिख रहे थे उसका एक फ्रेज बना रहे थे, प्रॉपर नहीं लिख रहे थे लेकिन एक फ्रेज बना रहे थे किस तरीके का एग्रीमेंट होगा। तो उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुरैश जो है वो एग्रीमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हजरत अली जब लिखते हैं तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही है, अल्लाह बहुत रहीम है और अल्लाह बहुत रहमान है। लेकिन सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं रखोगे, बिस्मिल्लाहिल्लाहुम्मा लिखोगे। हम अल्लाह पर बिलीव करते हैं लेकिन हम उनके एट्रीब्यूट्स पे बिलीव नहीं करते, तो हम बिस्मिल्लाहिल्लाहुम्मा लिखोगे। इस बात पे एग्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट ने कहा चलो हम इस पे भी एग्री कर लेते। फिर प्रॉफिट ने जब साइन करा ना, तो प्रॉफिट ने जब एक एग्रीमेंट साइन होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट ने साइन करा, प्रॉफिट ने साइन करा मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो उसपे सुहेल बिन अमर ने यह कहा कि भाई अगर आप प्रॉफिट होते तो हम आपसे लड़ते ही क्यों, तो हम आपको एज अ प्रॉफिट नहीं जानते, हम आपको हजरत अब्दुल्ला के बेटे के नाम से जानते हैं, तो आप लिखो मोहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला। क्या लिखोगे, मोहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला। तो होता यह है कि प्रॉफिट जब साइन करते हैं तो मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुहेल बिन अमर एग्री नहीं करते और क्या बोलते हैं, क्या लिखो, मोहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला। इस पे भी प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, शांत रहते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं कोई मसला है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आ रहा है। अब जब प्रॉफिट रिटर्न कर रहे होते हैं टुवर्ड्स मदीना, तो प्रॉफिट को एक रेवलेशन आती है, इंडीड वी हैव ग्रांटेड यू द मैनिफेस्ट विक्ट्री, हमने तुम्हें कामयाबी दे दी। हालांकि सारे पॉइंट्स खिलाफ थे, प्रॉफिट ने बहुत सारी ऐसी बातों पर एग्री करा जो कि हमारी साइड में नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने क्या बोला, तुम जीत गए। तो इससे क्या हुआ कि प्रॉफिट को मोटिवेट करने के लिए, आप क्या हो गए, जीत गए हो, टेंशन नहीं लो। और वो कैसे जीते, 4 मार्क का एक सवाल भी आ चुका है इस पे, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझाऊंगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि प्रॉफिट और मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा अपसेट होते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, हमने इतना वेट करा, हम इतने गुस्से आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बहुत खुशी खुशी पेपर देने जा रहे हो, सही है, लेकिन वहां पे जैसे ही पहुंचे वहां पे आप लोगों को जाके पता चला कि भाई आपको एग्जाम हॉल में तो जाने नहीं दे सकते, आपको सब आता था पेपर लेकिन आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने देंगे, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। फिर उन्होंने 30 मिनट वेट भी कराए, वो बोले चलो हम चेक करते हैं, 30 मिनट वेट कराए, और 30 मिनट वेट करने के बाद भी पेपर में ना जाने दें, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, सही है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि भाई आप लोगों को क्या होगा, गुस्सा आएगा, अंदर से क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि यार कैसा खबीस इंसान है, इसने मुझे 30 मिनट खराब ही करा, और इसी तरीके से मुसलमानों को भी इतना वेट करवाया लेकिन एंटर नहीं होने दिया। उसके बाद आप क्या बताओगे कि प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा अपसेट होते हैं, तो क्या होता है, रिचुअल्स ऑफ उमरा परफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, रिचुअल्स ऑफ उमरा परफॉर्म, लोगों को कहते हैं कि आप लोग जो है उमरे के रिचुअल्स कर लो, हेड अपना शेव कर लो, एनिमल्स जो सेक्रीफाइस करने की नियत से लाए थे वो हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट जब ये बात कहते हैं तो मुसलमान उनकी बात नहीं मानते, एटलीस्ट ये 2 से 3 दफा होता है वो उनकी बात नहीं मानते। तो प्रॉफिट की वाइफ उम्मे सलमा कहती है कि जब अगर आप उनको खुद आइडिया देंगे ना, अगर आप उनको खुद अगर परफॉर्म करके दिखाएंगे तो ये लोग भी आपकी बात मानेंगे। तो उसमें प्रॉफिट फिर क्या करते हैं, अपना हेड शेव करते हैं और उसके बाद क्या होता है, एनिमल स्लॉटर करते हैं। तो इसकी वजह से मुसलमान भी वो रिचुअल्स अपने क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या हो गई, साइन। तो मुझे ये बात बताएं कि किसको समझ नहीं आया, 947 हो रहे, 948 तक का टाइम है, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकता है, जिसको समझ आ गया वो जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किल आते हैं, चिल करें।
चले भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब्बू जंदल रिटर्न। अभी अब्बू जंदल कौन है? अब्बू जंदल है सन ऑफ सुहेल बिन अमर। किसका बेटा है बेटा? सन ऑफ सुहेल बिन अमर। ये सुहेल बिन अमर का बेटा है, सही है, इसीलिए मैंने बोला था सुहेल बिन अमर का नाम याद रखना। सुहेल बिन अमर कौन थे? जो नेगोशिएशन करने आए थे। तो ट्रीटी क्या होती है? वर्बली डिसाइड होती है। जब ट्रीटी वर्बली डिसाइड होती है, अभी तक सिर्फ फ्रेज तैयार हुआ है, प्रॉपर तरीके से साइनिंग नहीं हुई। अब होता यह है कि अबू जंदल जो कि सोहेल सन ऑफ सोहेल बिन अमर का बेटा था, सोहेल बिन अमर का, वो मक्का से मदीना आया। क्या आया? मक्का से मदीना आया। प्रॉफिट ने अपना वादा नहीं तोड़ा। प्रॉफिट चाहते तो उसको रख लेते, और प्रॉफिट कहते चलो मैं इस्लाम कबूल कर लो ये सारी चीजें। हालांकि वो इस्लाम कबूल करने ही आया था। प्रॉफिट कहते ना आ जाओ, लेकिन प्रॉफिट ने ट्रीटी में क्या बोला था? प्रॉफिट ने ट्रीटी में यह बोला था कि मैं जो है मक्का से जो मदीना आएगा हम उसको रिटर्न कर दें। तो सोहेल बिन अमर जब आता है इस्लाम, सन ऑफ सोहेल बिन अमर अबू जंदल जब आते हैं और कबूल करने आते हैं इस्लाम, तो प्रॉफिट अपना वादा रखते हैं। प्रॉफिट जो है वो अब्दू जंदल को रिटर्न कर देता है, और अब्दू जंदल को कहते हैं कि अल्लाह पर बिलीव रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अगर प्रॉफिट चाहते तो प्रॉफिट वादा तोड़ देते, क्योंकि कोई प्रूफ थोड़ी था, लिखा हुआ साइन थोड़ी हुआ हुआ था, अभी तो सिर्फ वर्बली डिसाइड हुआ था। लेकिन फिर भी प्रॉफिट ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। इससे पता चलता है कि कभी भी हमें वादे की खयान पूरी करनी चाहिए, वादा नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी अगर हम वादा कर रहे हैं तो हमें उसको फुलफिल करना चाहिए। तो ये आपका लास्ट पैराग्राफ बनेगा। अब हम इसके सवालात देख लेते हैं कि बेटा सवालात किस तरीके से आएंगे ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान हो। राइट अबाउट द इवेंट्स रिलेटिंग टू द रिलेटेड टू द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ उदैबिया एंड द मेन टर्म्स इन इट। तो सबसे पहले आपके पास इसमें कौन सा पैराग्राफ है? एक पैराग्राफ के भाई क्यों आपके पास ये हुई? सही है, प्रॉफिट को ख्वाब आया, वो सारी चीजें आपने बता दी। फिर आपने पूरा वो बताया कि पूरा किस्सा इवेंट्स बताया ट्रीटी ऑफ उदैबिया के, और लास्ट में आपने अबू जंदल का रिटर्न बता दिया कि अबू जंदल को प्रॉफिट ने क्या कर दिया, वो कर दिया, एंड देन प्रॉफिट ने सारे सेक्रीफिशियल एनिमल्स और क्या कर दिया, सेक्रीफाइस और कर दिए, वो सारी चीजें आपने बता दी। फिर सवाल है राइट अबाउट द इवेंट सराउंडिंग द ट्रीटी ऑफ उदैबिया एंड द मेन टर्म्स इन इट। तो ये आपके 10 मार्क का सवाल आएगा, क्यों हुआ, इवेंट्स क्या थे, और अबू जंदल का रिटर्न। सही है, अब इसमें 4 मार्क के साथ क्या सवाल आ सकते? वॉट इन योर ओपिनियन वर द बेनिफिट्स, इन योर ओपिनियन आपके ओपिनियन में क्या बेनिफिट्स हैं, इफ एनी टू द मुस्लिम्स ऑफ साइनिंग दिस ट्रीटी, मुसलमानों को क्या फायदा हुआ होगा साइनिंग दिस ट्रीटी। आपको ये बात पता होगी कि प्रॉफिट ने इसमें बोला था कि 10 साल तक क्या होगा, पीस होगा। सही है, अब जब 10 साल तक पीस होगा तो उससे क्या फायदा हो रहा, प्रॉफिट को वॉर नहीं लड़नी पड़ेगी। क्या नहीं लड़नी पड़ेगी? वॉर। पीस हो गया तो अब उससे वो इस्लाम क्या कर सकते हैं, सुकून से वो कर सकते हैं। पहले उनको ये टेंशन था, क्या टेंशन था, कि लड़ना भी है इस्लाम भी फैलाना है। अब 10 साल के लिए जब पीस हो गया तो ये फायदेमंद वाली बात। फिर दूसरी बात यह है कि इससे अल्लाह ताला ने हमें, इससे हमें ये बात पता चलती है कि प्रॉफिट का दिमाग कितना वो था, क्योंकि प्रॉफिट को कुछ ना कुछ पता होगी, गाइडेंस होगी। बेटा बैटल ऑफ ट्रेंच नहीं, आप बस ये बता दो कि आफ्टर बैटल ऑफ ट्रेंच क्या हुआ, उनको ख्वाब आया था। सही है, अच्छा भाई अब हमारे पास क्या है कि आप सबसे पहले बताओगे पीस हो गया 10 साल के लिए, एक ये बहुत बड़ी फायदे वाली बात थी जिससे हम इस्लाम क्या कर सकते थे, फैला सकते। दूसरा ये हुआ कि अगर एक ट्रीटी साइन हुई है तो ट्रीटी साइन हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को उन्होंने एज अ सेपरेट पावर मान लिया, एज अ सेपरेट पावर मान लिया। सर एज अ सेपरेट पावर क्यों मान लिया बेटा? अगर एक जगह पे कुरैश बैठे, एक जगह पे मुसलमान, मतलब उन्होंने हमें एज अ सेपरेट नेशन मान लिया। सही है, उन्होंने इस्लाम को भी एक तरीके से मान लिया। फिर हमें बात क्या पता चलती है, इसकी वजह से आपको क्या फायदा होगा, ट्रीटी ऑफ उदैबिया की वजह से हमारा मक्का पे कब्जा आ जाएगा। जब आप लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पढ़ोगे ना तो उसमें ये पढ़ोगे कि ट्रीटी ऑफ उदैबिया इन्होंने तोड़ी थी, इसीलिए हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का करा था और मक्का पे हमने फतह कर ली। सही है, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। तो ट्रीटी ऑफ उदैबिया अगर होती ही नहीं तो उसमें तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं होता कि पीस है, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में कभी हम लोग कंट्रोल ला ही नहीं सकते, मक्का पे कंट्रोल ला ही नहीं सकते। ट्रीटी ऑफ उदैबिया की वजह से हमारा क्या आया, कंट्रोल आया। उसके बाद क्या है कि हमें ये बात पता चलती है कि मुसलमानों को हार कर भी क्या मिल गई, जीत मिल गई, क्योंकि अल्लाह ताला की रेवलेशन आई थी, वी हैव प्रोवाइडेड यू द मैनिफेस्ट विक्ट्री। तो ये 4 मार्क का सवाल था, हमने 4 पॉइंट्स बता दिए। पीस वॉज फाइनली कंक्लूडेड इन अरेबिया, सो द होली प्रॉफिट सेंट मिशनरीज। मिशनरीज का मतलब कुछ प्रीचर्स को भेजा जो इस्लाम जाके प्रीच करेंगे, एंड प्रीचर्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेटर्स टू द इंपीरियस, ड्यू टू विच नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंक्रीज रैपिडली। It was the first time when Meccans accepted Muslims as a separate power and Islam as a religion. The first clause about peace shows weakness of Quraysh. Muslims got the permission of Umrah next year. सही है, ये भी एक फायदे वाली बात थी कि next year उन्होंने उम्रे की permission दे दी थी। It allowed the companions to see the wisdom of Prophet's decision as this treaty led up to conquest of Mecca and Khyber expedition.
इट एम्फसाइज दैट वॉट एवर द कंडीशन आर इफ अल्लाह इज विद यू यू विल विन एज ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स As almost all the points were against the favor of Muslims. But however, this treaty provided various benefits to Prophet as Allah revealed on his return to Medina. We have provided you the manifest victory. So, ye hamare tari, hamare hisab se kya thi? Ye kya victory? Phir ek sawal aayega char marka from this event. What can Muslims learn about the importance of keeping their word? So, sabse pehle aapne kissa bata diya ki Prophet ne abhi tak Prophet ne tarike se ट्रीटी साइन नहीं करी लेकिन फिर भी अबू जंदल को वापसी भेज दिया और अभी तक वर्बली डिसाइड किया। इससे यह पता चलता है कि हमें प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए और प्रॉफिट ने भी करा। अब हमें यह बात पता होनी चाहिए कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ, वैसे तो कचरा टीचर हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई मैं सबसे अच्छा टीचर हूँ, मेरे से अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, सही है मैंने कहा। अब वो शैतान में एक वो फरिश्ता बैठा होगा, फरिश्ता बोलेगा यार कितना झूठ बोलता है, इतना घटिया टीचर है, और फिर भी क्या है यार बोलते हैं कि भाई क्या है सबसे अच्छा टीचर, मतलब वो बोलेगा यार खुदा का खौफ करो इतना झूठ नहीं बोला। तो एक तो ये चीज, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा भाई मैं आप लोगों को ए स्टार ला के दूंगा, आर आई यू स्टार, सही है, अब बोलोगे यार अल्लाह अकबर, तो मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा। तो अगर मैं कोई वादा कर रहा हूँ कि यार मैं ये चीज करूंगा, तो वो चीज मैं क्या करूँ, फुलफिल करूँ, या तो मैं वादा नहीं करूँ, सही है, मैं वादा नहीं करूं, मैं बोलूं भाई 100% कोई श्योरिटी नहीं है, मैं पहले से बंदे को डरा दूं, जैसे मैंने आप लोग पहले से बोल दिया भाई ए स्टार लाने की शक्लें देख लो, पहले शक्लों में शीशे में शक्ल देख लो, ग्रेड व्रेड कुछ नहीं आना, आ जाए तो बस दुआ दे दे, सही है, ये बोल सकता हूँ। अब उसमें आ गया ग्रेड तो क्या होगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं प्रॉमिस करूं नहीं मैं तो ए स्टार ला के दूंगा, मेरे जैसा अच्छा टीचर कोई है नहीं, और अगर नहीं आएगा तो मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो हमें हर बात पे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और अगर हमने प्रॉमिस करा तो उसे हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल। हम एग्जांपल दे सकते हैं, आपके पास पॉलिटिशियंस होते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है ना तो ये आपके घरों पे आएंगे, ये आपके घरों पे आएंगे, काउंसलिंग करेंगे, कैंपेनिंग अपनी चलाएंगे, कहेंगे हम ये चीज कर देंगे, हम वो चीज कर देंगे। तो हम एग्जांपल देंगे कि पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए जब उनको वोट मिल जाए तो भी, सही है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी से भी वादा करा तो हम उसको क्या करें, फुलफिल करें, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो सोशल उस पे हो, चाहे वो हमारे कोई प्रोफेशनल उसमें हो, जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने किसी से कमिटमेंट कर दी कि मैं भाई इस स्कूल को पढ़ाऊंगा तो मैं उस स्कूल को पढ़ाऊं, बीच में कहीं छोड़ के जो है वो हम नहीं चले जाए, तो ये चीज है। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि हमें अपना वादा क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तो हम ये चीज सीखते हैं। तो आप क्या बताओगे, द प्रॉफिट कैप्ट हिज वर्ड टू द कुरैश फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द treaty. Even before the treaty was finished being written, he sent Abu Jandal back to the Quraysh on account of an agreement having been made verbally. This shows the importance of promising to do something, then fulfilling that action, even if it has not been put into writing. As all actions and agreements are recorded by angels, God knows what has been promised, and by fulfilling promises, no matter how hard it is, then God will reward you accordingly. Example, politicians should not go back on the things they promised when they wanted to be elected, or people should not take back something that they have promised to give a friend. We can have a community where people learn to trust each other and their social, personal and professional relationships. इससे फायदा क्या आएगा कि अगर for example अगर हम promise का देखो, असल में हम किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते, जिंदगी हमारी दुनिया ऐसी हो गई है, हमें किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता, क्यों? एक तो हम खुद वादे अपने पूरे नहीं करते, तो हम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करते। दूसरा ये कि हमारे साथ हमें दुनिया के अंदर जितने धोखे मिल चुके होते हैं कि हम किसी की बात पे भरोसा नहीं करते। अगर दुनिया में सब अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करना शुरू हो जाए तो एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी और लोगों का ट्रस्ट लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अ वर्ल्ड वेयर अननेसेसरी डाउट डज नॉट डिस्ट्रॉय इमोशंस, पर्सनैलिटीज, कैरेक्टर्स एंड फैमिलीज, अ वर्ल्ड विल इंडीड बी अ मच बेटर प्लेस इफ पीपल लर्न टू कीप देयर वर्ड्स। अगर कोई अपने वादे नहीं तोड़ेगा और अपने वो करेगा तो उसमें क्या होगा कि वो हम लोग खुश रहेंगे, सही है। तो यहाँ तक की कहानी सब